हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल नो हाउ टू डिवाइड विद द टू डिजिट नंबर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू डिवाइड विद द थ्री डिजिट नंबर। सो वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल हेयर। दिस इज आर डिविडेंड एंड दिस इज आर डिवाइजर। सो फर्स्टली वी आर हैविंग थ्री डिजिट डिवाइजर। तो क्या करना है, पहले हमें थ्री, अगर हमारा डिवाइजर जो है वो थ्री डिजिट का है, देन वी विल गो फॉर द फर्स्ट थ्री डिजिट ऑफ अ डिविडेंट ऑल्सो। बट वन मोर थिंग इज देयर, अगर हमारा जो डिवाइजर के जो थ्री डिजिट हैं वो हमारे फर्स्ट थ्री डिजिट डिविडेंट के जो फर्स्ट थ्री डिजिट हैं उनसे ग्रेटर है, देन वी विल गो फॉर द फर्स्ट फोर डिजिट। अगर जो, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर डिवाइजर के थ्री डिजिट जो हैं वो ग्रेटर हैं डिविडेंट के थ्री डिजिट से, देन वी विल गो फॉर द फोर डिजिट। अगर डिवाइजर के थ्री डिजिट जो हैं वो अगर छोटे हैं डिविडेंड के हमारे थ्री डिजिट से, तो वी विल गो फॉर द थ्री डिजिट ओनली। सो हेयर इन दिस केस आर डिवाइजर्स थ्री डिजिट्स आर ग्रेटर देन द डिविडेंड्स थ्री डिजिट, सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग द फर्स्ट फोर डिजिट। नाउ लुक हेयर, वी आर टेकिंग द फर्स्ट फोर डिजिट, बट आर यू एबल टू गो फॉर द टेबल ऑफ 429? इज इट easy to write the table of 429? It will take so much time. So I am giving you a short trick. What you have to do, go for only the first digit 4. अब हमें क्या चाहिए सबसे पहले, और इसके जो है हमें first two digit देखने हैं। अब 4 के table में 34 आता है, नहीं आता, क्या आता है, 32 आता है, और 32 किस पे आता है, 8 पे आता है। go for one more digit 4 के टेबल में, 9 पे क्या आता है, 36 आता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गो फॉर द फर्स्ट डिजिट। 4 8 32 होता है, तो सेम उसी वे में जस्ट एक काइंड ऑफ अजम्पशन है ये कि 4 8 32 होता है, तो वी आर गोइंग फॉर द 8। तो ये क्या करना है आपको, 429 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, वी विल गेट 3432, एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 3432 फ्रॉम द 3470, एंड वी विल गेट द रिमाइंडर 38। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू ब्रिंग आउट द नेक्स्ट डिजिट डाउन। सो व्हेन वी कैन ओनली ब्रिंग द वन डिजिट एट अ टाइम। नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें सिर्फ हम एक ही डिजिट को नीचे लेके आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ला सकते। सो फर्स्टली वी विल ब्रिंग आउट द वन डिजिट, दैट इज 385। नाउ वी आर नॉट एबल टू डिवाइड 385 विद द 429, सो वट वी विल डू, वी विल ब्रिंग आउट द वन मोर डिजिट 8। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब हम एक टाइम पे नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ हम एक ही डिजिट को नीचे ला सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट डिजिट को अगर हम नीचे ला रहे हैं, सो वी विल राइट 0 एज अ क्वेश्चन। इन द सेम वे वी विल डिवाइड द फर्दर स्टेप, वी विल डू द फर्दर स्टेप। नाउ आफ्टर डूइंग दिस स्टेप वी विल लेफ्ट विद द 426। नाउ अगेन 426 इज लेस देन 429, सो वी विल ब्रिंग आउट द डिजिट 2, एंड दिस विल डिवाइड एट प्लेस 9। सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल लेफ्ट विद ओनली 401, एंड दिस 401 इज नॉट going to be divided by the 429, so this is our remainder and this is our question. In the same way when we divide with the four digit number, we will go for the first four digit, but here in this case also these dividends four digits are less than this divisor, so we will go for the first five digits. Now how I know ki ye jo hai jo ye 4 pe hi jayega, kaise, simple ye wala step dekho, 2 ke table mein 12 kis pe aata hai, 6 pe aata hai, but look here ye kya hai, 6 hai, to ye kya greater ho jayega, so go for 2613 into 5. When we multiplied with 5, when we multiplied with 5, we are getting the 13,065, and which is greater than this number, so we are going on to the 4. जब हम इसे 4 से divide करेंगे, we will get this
number. In the same way, we will go for the one digit and the remaining this digit. What you have to do in this case, you have to verify your answer. For verifying your answer, you have to remember this property, that divisor multiply quotient plus remainder is equal to dividend. So this is our divisor, this is our quotient, and this is our remainder. What you have to do, you have to firstly multiply divisor with the quotient. When you multiply the divisor with the quotient, you will get this thing. And after multiplying, then you have to add this number. ये नहीं है कि हाँ जी पहले plus कर दिया फिर multiply कर रहे हैं, नहीं. Board mass के according multiply comes first, then addition. So you have to multiply first, whatever you are getting after multiplication, then you have to add and you will get the same as dividend. वन मोर थिंग, अगर आपका मल्टीप्लाई और एडिशन करने के बाद डिविडेंड जो है वो सेम नहीं आ रहा एज गिवन इन द क्वेश्चन, इट मीन्स देयर इज सम मिस्टेक इन योर मल्टीप्लीकेशन पार्ट और इन दिस डिविजन पार्ट. यू हैव टू चेक दैट अगेन. सो लेट्स डिस्कस नाउ द क्वेश्चंस. सो नाउ आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन नंबर 9. सो लेट्स डू इट. हेयर यू कैन सी जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड की जो फर्स्ट फोर डिजिट है वो क्या है, स्मॉलर है डिवाइजर की फोर डिजिट से. तो व्हाट वी विल डू, वी विल गो फॉर द फर्स्ट फाइव डिजिट ऑफ डिविडेंड. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू कि आपको क्या करना है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाला जो है वो किस नंबर पे आता है, देयर इज अ जस्ट काइंड ऑफ गेस. एज आई हैव टोल्ड यू कि सिर्फ जो फर्स्ट डिजिट को देखो और इसकी जो स्टार्टिंग वाली टू डिजिट्स को देखना है आपने. अब जो थ्री है, थ्री के टेबल में 20 आता है, नहीं आता. थ्री के टेबल में 20 से लेस क्या आता है, 18 आता है, और वो किस पे आता है, 6 पे आता है. बट व्हेन वी मल्टीप्लाई 3485 विद द 6, वी विल गेट 20,910. सो ये क्या है, इससे बड़ा है. तो अब क्या करेंगे, हम एक स्टेप पीछे जाएंगे. तो 6 से पीछे क्या आता है, 5. जब हम इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 17,425, विच इज स्मॉलर देन दिस नंबर. एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू नाउ सब्ट्रैक्ट दिस 0, 1, 4 एंड 3. नाउ एज वी कैन सी इट इज नॉट डिविजिबल बाय दिस नंबर, सो व्हाट वी विल डू, we will bring out the zero over here. Now, if I say, look here, ये दोनों नंबर क्या है, काफी, मतलब ज्यादा नहीं है पर काफी क्या है, क्लोज है. तो अब क्या करना है, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो what we will get 34,850, जो क्या है, इससे बड़ा है. एंड वी आर हैविंग 34,100 ओनली. तो अगर हमें 10 से मल्टीप्लाई करने पे 850 मिल रहा है, 34,850 मिल रहा है, तो हम अगर एक स्टेप पीछे चले जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें जो है वो इससे जो है लेस मिलेगा. एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस नंबर विद 9, 3,485 विद 9, वी विल गेट 31,365, which is less than this. What we have to do, we have to now subtract. Here comes 5, here comes 3, here comes 7, and here comes 2. And I hope ki subtraction aati hai aap logo ko. Now, ab यू कैन सी हेयर, यहाँ पे भी ये क्या है, हमारा जो है वो इससे स्मॉलर है. सो वी विल ब्रिंग आउट द 6 डाउन. नाउ अब 3 के टेबल में 27 9 पे आता है, पर हमें पता है 9 पे ऑलरेडी 31 आता है. तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, और जब हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3485 की जब मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 8 से करेंगे, देन वी विल गेट 27,880.
और हमें क्या चाहिए, 27,356 चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, वी विल गो फॉर देन 7 एंड वी विल गेट देन 24,395। और हमें पता है ये इससे क्या है, स्मॉलर है, सो वी विल राइट है 24,395। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस नंबर, वन ओवर हेयर, सिक्स हेयर, नाइन हेयर एंड टू हेयर, सो दिस इज आ रिमाइंडर। So this is our remainder, this is our quotient and this is our divisor. So in this ninth question you have to just find out the quotient and remainder, but in the next questions, okay, I am teaching you how to check your answer in this case also. So what you have to do, you have to multiply divisor with the quotient, you have to add the remainder and then you will get the dividend. So our divisor is 3485 multiply with the 597 plus remainder. Case firstly you have to multiply, don't go for the addition first, firstly you will go for the multiplication, and when we multiply 3485 with the 597 we will get 2,000, and after multiplication you have to add these numbers and we will get the result same as that of dividend. If you are multiplication and after this multiplication and addition your dividend is your result is not same as that of given dividend, it means you are having any kind of mistake in your division or in multiplication, you have to check that also. So this was all about our, in the same case you have to do 11th and 12th question. After division you have to check your answers here just like this. In the 13th question, in the question number 13, they have given you find the dividend when divisor, quotient and remainders are given. They have given you everything. What you have to do, you have to just write the formula, that is write the property, that is dividend divisor multiply quotient plus remainder is equal to R dividend. At the place of divisor you will write 2018 multiply 1403 plus 906, multiply this with this and after that you have to add this number, and when you multiply with 2018 with 1403 you will get, and you have to add this with 906 and you will be getting 2,000. And now I hope you are able to do these questions. So in the next, what you have to do, they are the just here. Just same statement questions are there. In the same way you have to do these questions. I am taking this question number 4 and question number, let's go with the question number 4 first. In this question they are saying a dealer booked 125 cards. They have booked this much cards for rupees this much, and we have to find out that how much is the one card's cost, कि जो एक कार की कॉस्ट है कितनी है, या फिर उन्होंने एक कार के लिए कितना पे किया है. सो वट वी विल गो, वी विल गो फॉर द डिविजन. सो हेयर, सो वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट थ्री डिजिट बिकॉज दिस थ्री डिजिट्स आर ग्रेटर देन दिस 125. सो एट
At 5 we will getting 625. Now subtract this. Now we have to bring out the 7 and we'll go for 3 and we will get 375. Same way, now we are bringing down 8 and at 1 it will come 125. And here comes 3, now is 37. Now look here, we are not able to divide this number now, so we will write here 0 and bring down the next digit, that is 375. Now it will become 375 and we know it goes at 3 and here is 375 0. So this is our quotient, which means this is the cost of one car, or we can say he paid this much for a one car. In the same way, in question number 6 also, the company collected this much amount from the shareholder. If the value of each share, जो ईच शेयर है उसकी वैल्यू कितनी है 250 है, देन हाउ मेनी शेयर्स वर देयर, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर विद द 250 एंड इट इज इजी टू डिवाइड विद 250. व्हाई? बिकॉज यू जस्ट हैव टू राइट द टेबल ऑफ 25 एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर 000. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर डिविजन. So what you have to do today, you have to do question number this exercise 16 in your fair notebook up to question number 13. If you are still facing any problem, please do let me know and we will discuss this in next worksheet. And in the next day, next time, you will be doing this worksheet 10, question numbers 10. I will inform you that later on, but today go for this worksheet. Thank you.